वहीं कोटा के कुन्हाड़ी इलाके की काली बस्ती में कल हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से इस हादसे में सीएम ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और जांच के आदेश दिए हैं। सीएम भजन लाल ने घटना की जांच के आदेश के बाद प्रशासन पूरी तरह से हरकत में आ गया है। सभी प्रशासनिक अधिकारी मौके पर लोगों का बयान दर्ज करने पहुंच रहे हैं। उधर कोटा एमबीएमएस अस्पताल में भर्ती 13 बच्चों की हालत में सुधार हो रहा है, हालांकि 5 गंभीर रूप से घायलों को जयपुर रेफर किया गया है। आज 7 बच्चों का इमरजेंसी वार्ड में इलाज चल रहा है, जबकि 6 बच्चों को बर्न वार्ड में शिफ्ट किया गया है। डॉक्टर्स ने कहा कि सभी झुलसे बच्चों की निगरानी में उन्हें रखा गया है। डॉक्टर्स की विशेष टीम अस्पताल में तैनात की गई है। फिलहाल सभी की हालत में सुधार है। तो शिव बारात में बड़ा हादसा हुआ था। शिवरात्रि के दिन करंट लगने से 14 बच्चे बुरी तरह से झुलस गए थे और आदेश के बाद अब एक्शन में प्रशासन। शिव बारात में ये बड़ा हादसा हुआ था और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लिए शाकिर अली हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शाकिर, क्या अपडेट है, क्योंकि किसकी लापरवाही मानी जाए और क्या कहा जाए इस मामले में, आपके पास क्या ज्यादा जानकारी है? जी देखिए, जहाँ तक लापरवाही की बात है तो क्योंकि पूरी की पूरी जो बस्ती है वो पूरा का जो इलाका है वहाँ पर लगभग सभी छतों पर से होकर के हाई टेंशन लाइन गुजर रही है, तो ये जांच का विषय है कि हाई टेंशन लाइन जो है वो पहले बनी है या यहाँ पर जो है मकान का निर्माण जो है वो किस तरीके से हुआ है। ये प्रशासन ने टीम बनाई है, वो जाँच कर रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भी घटना के बाद तुरंत ही जो है संज्ञान में लेते हुए इस पर जांच के निर्देश दिए थे। इसके अलावा बेहतर इलाज उनका हो सके, जो घायल हैं उनका, उसके लिए भी लगातार जो है प्रयास किए जा रहे हैं। 5 जो बच्चे हैं वो जयपुर में भर्ती हैं, 1 की हालत नाजुक बताई जा रही है। जो पूर्व मंत्री हैं शांति धारीवाल, जो कोटा उत्तर से विधायक भी हैं, उनका भी कहना है कि जो SMS अस्पताल के जो अधीक्षक हैं बर्न वार्ड के नवीन जैन, उनसे उनकी वार्ता हुई है, लगातार वो उनसे संपर्क में है। 1 बच्चे की हालत जो है नाजुक है और बाकी बच्चों का जो है उनका इलाज भी जारी है। और कोटा में जो बच्चे भर्ती हैं उन सबका इलाज जारी है, उनको बर्न वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके चोटें लगी है, उनको जो है दूसरे वार्ड सर्जिकल वार्ड में लिया गया है। जी। तो कहीं ना कहीं फिलहाल जो है कोशिश ये की जा रही है कि बच्चों का बेहतर इलाज मिल सके। और जो एक टीम बनाई गई है, जांच कमेटी जो बनाई गई है, क्योंकि ऊर्जा मंत्री भी कोटा से ताल्लुक रखते हैं हीरालाल नागर, तो उन्होंने भी जो है जांच के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री की ओर से भी जांच के निर्देश दिए गए, तो एक जिला कलेक्टर ने एक जो टीम गठित की गई है वो टीम अब जो है इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जी, और अगर हम देखें इस मामले में तो प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहा गया है शाकिर, इस मामले में क्या इस पर भी आपके पास कोई जानकारी है? जी देखिए, क्योंकि हादसा होने के बाद में ये तो साफ हो गया था कि वहां पर जो है परमिशन उन्होंने जो है जो यात्रा निकाली जा रही थी कलश यात्रा, उसकी परमिशन उन्होंने नहीं ली थी, क्योंकि अगर परमिशन ली होती तो पुलिसकर्मी उसमें मौजूद होते, और इस तरह से जब भी कोई यात्रा या जुलूस निकलता है तो पुलिस अगर मौजूद रहती है तो जो रास्ते में जो बिजली के तार वगैरह होते हैं उनको हटाया जाता है या उनको ऊपर करने के लिए संसाधन की व्यवस्था नगर निगम की ओर से करवाई जाती है, तो ये सब चीजें वहां पर नजर नहीं आई। तो पुलिस का भी ये कहना था कल जब हम मौके पर थे तो कि यहाँ पर जो है बस्ती वालों ने जो है जिसके लिए परमिशन नहीं ली थी, लेकिन जो हादसा हुआ है वो अपने आप में दर्दनाक हादसा है, सबक लेने वाला हादसा है। कोटा में और भी कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर हाई टेंशन लाइन जो है लोगों की छतों पर से होकर के गुजर रही है और कई बार हादसे भी हुए हैं। ये बड़ा हादसा हुआ है तो जाहिर तौर पर इसमें जांच कमेटी गठित की गई है, तो कुछ ना कुछ एक्शन भी होगा, और जो अगर इसमें जो भी दोषी होते हैं जिस तरह की भी लापरवाही सामने आती है उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। जी शाकिर, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। शाकिर।